सो हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉगर की एक वेबसाइट को किसी भी एक डोमेन के साथ अच्छी तरीके से अटैच कर सकते हो, क्योंकि कभी बार क्या होता है, जो लोग नया ब्लॉगर होता है वो अपने किसी भी एक डोमेन प्रोवाइडर से अपना डोमेन तो खरीद लेता है, लेकिन उसको जो है अच्छे तरीके से ब्लॉगर के साथ अटैच नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर DNS में बहुत सारे सेटिंग्स करना होता है एंड वो बिगनर्स को पता नहीं होता है। एंड इससे प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में जाकर जब वो ब्लॉगर अपने ब्लॉग को एडसेंस के लिए मोनेटाइज के लिए अप्रूवल भेजता है, तब वो वहाँ पर जो है उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। एंड ये जो है कभी कभार क्या होता है, इस सब DNS के कुछ सेटिंग्स के वजह से होता है। शायद उसका ब्लॉग अच्छा है, उसने बहुत मेहनत से अपने पोस्ट वगैरह लिखा होगा, सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस DNS के कुछ सेटिंग्स उसने नहीं किया था, इसके वजह से उसको अप्रूवल नहीं मिलता। एंड तब जो मतलब उस बंदे के परेशानी होता है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे एरर्स आता है, बताता है कि आपके साइट जो है रीच नहीं कर पा रहा है गूगल, योर साइट इज़ नॉट रीचेबल, HTTP का कुछ एरर है, सिक्योरिटी एरर है, ऐसा करके बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं गूगल एडसेंस के तरफ से। एंड उस बंदे को समझ में नहीं आता कि भाई मैंने इतना मेहनत किया है, इतना यूनिक पोस्ट लिखा है, रात जाग के मैंने अपने ब्लॉग के लिए इतना मेहनत किया, लेकिन मेरा एडसेंस अगर अप्रूवल नहीं हो रहा है तो भाई अब वो बंदा कहाँ जाएगा, उसको मतलब परेशानी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा जो प्रॉब्लम है ना, मतलब सभी के साथ होता है एंड मेरे साथ भी, मैं जब अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी हुआ था, खास करके ब्लॉगर पे ही हुआ था, क्योंकि ब्लॉगर पे आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स करना पड़ता है जो कि आपको वर्डप्रेस पे नहीं करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो पे मैं बेसिकली यही काम करूंगा। मेरा एक नया डोमेन है, एकदम नया डोमेन, मैंने उस डोमेन को खरीदने के बाद GoDaddy को ओपन ही नहीं किया है। हाँ, मैंने जो डोमेन है GoDaddy से ओपन करके खरीदा है। अगर आप किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से खरीदते हो तो प्रोसेस जो है एकदम सेम है, 100% सेम है। एंड मेरा एक blogspot.com का एक ब्लॉगर वेबसाइट है, ये बेसिकली मेरा ही साइट है, मेरा ही अपना पोर्टफोलियो साइट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डोमेन है उससे मैं अपना वेबसाइट को लिंक करूंगा। वैसे इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन वो जो था पुराना वाला वीडियो था, काफी एक डेढ़ साल पहले बनाया था मैंने उस वीडियो को, तो कुछ कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि जब आप ब्लॉगर पे अपना डोमेन को लगाते हो ना, तो www. उसके बाद जो है आपको वेबसाइट का नेम आता है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई बंदा जो है वो www. नहीं दे रहा है, मान लो आपका वेबसाइट का नाम है abc.com, ठीक है। तो गूगल पे क्या होगा कि वो रजिस्टर होगा www.abc.com, लेकिन मान लो कोई बंदा अगर आपका वेबसाइट को abc.com से खोलना चाह रहा है तो तब क्या होगा। और ये भी मान लो कि कोई बंदा है वो आ रहा है एंड लिख रहा है https नहीं दे रहा है एंड स्लैश सिर्फ abc.com, www भी नहीं दे रहा, तब क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए ये प्रॉब्लम होता है कि जो बंदे का वेबसाइट होता है वो अगर https उसके बाद www.abc.com से तो खुल रहा है, लेकिन अदर्स जो पैटर्न्स है उससे उसका वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा है एंड गूगल जो एरर दे रहा है एंड वो भी ब्राउजर पे चेक कर सकते हैं नहीं ओपन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है ब्लॉगर में, ठीक है। अगर आप ब्लॉगर की वेबसाइट को अच्छे तरीके से अपने DNS के मतलब डोमेन के साथ लिंक नहीं करते हो तो वो सारा प्रॉब्लम जो है अगर आप ये वीडियो देखते हो तो वो सब कुछ आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस काम को करने से पहले आपको जो है पहले अपना एक ब्लॉगर का वेबसाइट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर एक ब्लॉगर का अपना वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू ब्लॉग करके। तो आप देख सकते हैं इसका जो URL है यहाँ पर लिखा हुआ है snesh.blogspot.com, ठीक है। तो इसका मतलब है मैंने अभी तक इस डोमेन के साथ कोई भी कस्टम डोमेन को ऐड नहीं किया है, ये ब्लॉग मतलब ब्लॉगर का ही डोमेन है। एंड बेसिकली ये जो है मैं जब इंजीनियरिंग लाइफ था मेरा फोर्थ ईयर का, तो तब मैंने इस वेबसाइट को बनाया था। ये बेसिकली मेरा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो मेरा जो है बायोडाटा वगैरह इसमें सब कुछ है, तो इसलिए तब मैंने इसको बनाया था, ठीक है। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं इस वेबसाइट के साथ जो है मेरा डोमेन, मैंने एक अपना डोमेन नेम खरीदा है जो कि snesh.com, तो मैं उस चाहता हूँ उस कस्टम डोमेन को मैं इस ब्लॉगर की वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दूँ, जिससे क्या होगा कि मतलब कोई अगर मेरे नाम से सर्च करेगा तो भाई मेरा वेबसाइट दिखाएगा, ठीक है, वेबसाइट में गूगल पे। तो मैं यही चाहता हूँ बेसिकली। तो अब जो है मुझे इस डोमेन के अंदर अपना मतलब इस ब्लॉगर की वेबसाइट के अंदर अपना कस्टम डोमेन को ऐड करना है बेसिकली। तो इसके लिए जो है पहले आपको अपना डोमेन को खरीदना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपने शायद अपना डोमेन खरीद लिए होंगे एंड आपके पास जो है ऐसा एक वेबसाइट होगा, तो दिक्कत की बात यहाँ पर ही होगा, बस आपको अपना डोमेन को जो है इस वेबसाइट के साथ मतलब ब्लॉगर की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, यहाँ पर सबसे मेन दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप बगल पे अपना GoDaddy के अकाउंट पर लॉग इन कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है आपको
माई प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जितना सारा ब्लॉग्स वगैरह है, मतलब डोमेन है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर आपको बस अपने डोमेन के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। एंड जब आप अपने डोमेन के ऊपर क्लिक करोगे तब देखना आपका डोमेन जो है थोड़ा एक्सप्लेन होकर आएगा यहाँ पर, और कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ पर बताएगा। आपको एकदम स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा मैनेज DNS वाला एक ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इस मैनेज DNS के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एंड जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है आपको DNS के मैनेज करने का एक पेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ पर ऐड किया हुआ रहेगा। पहले जब आप अपना डोमेन को नया खरीदोगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है पार्क्ड वाला। ठीक है, एक देखना एक ए रिकॉर्ड रहेगा, वहां पर लिखा रहेगा @ एंड उसके बाद पार्क लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले उस वाले ऑप्शन को डिलीट कर देना है। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, उसको डिलीट कर दो। मैंने जब डोमेन अपने खरीदा था तभी उसको डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है। देखना जब आप नए नए डोमेन खरीदोगे ना, तब अगर वो पार्ट वाला लिखा हुआ रहेगा, तब जब अपना डोमेन को जस्ट सर्च करके गूगल पे, मतलब जब अपने डोमेन को जाओगे तो देखना एक GoDaddy का एक वेबसाइट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे जो है वो पसंद है भाई, मैं पैसा दे रहा हूँ और GoDaddy का वेबसाइट दिखाएगा भाई कैसा लग रहा है, तो इसलिए मैं उसको पहले ही हटा देता हूँ। अगर कोई तब अगर उसको आप हटा देते हो ना, तो उसके बाद अगर कोई आपका वेबसाइट को विजिट करेगा तो दिखेगा साइट इज नॉट रीचेबल ऐसा करके आएगा, बट कोई GoDaddy का वेबसाइट बट एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा आपके डोमेन के ऊपर। ठीक है, तो बस वही बात है, तो उसको पहले डिलीट कर देना। ठीक है, अब जो है आपको अपना वेबसाइट पे आना पड़ेगा, मतलब ब्लॉगर के साइट पे आना पड़ेगा। ये ब्लॉगर का नया डैशबोर्ड है। ठीक है, एकदम क्लाइंट वाला डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ पोस्ट है, मतलब पेजेस तो कुछ नहीं है, कुछ पोस्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आपको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, आप बस डायरेक्टली आ जाओ सेटिंग्स पे, क्योंकि यहाँ से हम लोग का मेन काम होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हो अभी जो है मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, मेरा जो है डोमेन एकदम ऐसा ही है, एंड यही वाला डोमेन ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको व्यू ब्लॉक से क्लिक करके दिखा दिया था। तो यहाँ पर जो है आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिशिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कस्टम डोमेन नाम का एक ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इस कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो आपका डोमेन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो मेरा जो डोमेन का नाम है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है snehesdotto.com। ठीक है, तो आपको अपना डोमेन नाम को तो लिखना ही पड़ेगा, उसके पहले आपको www. भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो लिखता हूँ www.snehesdotta.com। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब देखो ये सेव नहीं हुआ, यहाँ पर एरर देगा मुझे, तो इसी का आप देख सकते हो ये सेव नहीं हुआ बल्कि एरर दे दिया है मुझे। ये बोल रहा है कि भाई देखो तुम किसी का तो डोमेन नेम डायरेक्टली यहाँ पर डाल नहीं सकते हो ना, तुम कौन हो, वेरीफाई तो करो पहले। तो यही बता रहा है कि भाई वेरीफाई कर लो आप पहले, तो यही बता रहा है कि भाई आपको दो सीनेम जो है अपने DNS पे अटैच करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि भाई पहले अपना DNS को यहाँ पर ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो डोमेन नेम सिस्टम लिखा भी हुआ है। तो DNS पे हम लोग को दो सीनेम ऐड करना पड़ेगा, एक का जो डिस्क्रिप्शन है ये वाला है, एंड दूसरे का जो है ये वाला है। ठीक है, इस दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। तो पहले क्या बता रहा है कि भाई सीनेम ऐड करो, नेम के जगह www लिख दो, एंड डेस्टिनेशन पे ये वाला URL जो है, मतलब लिंक जो है ऐड कर दो। वही काम करते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पर जो है हम लोग ऐड करते हैं, एंड यहाँ पर जो है हम लोग टाइप करते हैं सीनेम, एंड यहाँ पर लिखेंगे www, एंड यहाँ पर वैल्यू पे हम लोग ने जो कॉपी किया था उसको डाल देंगे। TTL पे आप कोई भी डाल दो, मैं 1 hour डाल रहा हूँ, आप भी 1 hour ही डाल दो, एंड ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दो। अब अच्छा, तो गाइस यहाँ पर एक चीज देखो, ये आपके साथ होगा, देखिए डेफिनेटली होगा, अगर आप नया डोमेन को लॉगिन कर, मतलब अटैच करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ होगा ही। जब आप नया डोमेन खरीदते हो तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है कि पार्क एक लिखा हुआ रहता है, एक पार्क DNS ऐड हुआ रहता है, ए रिकॉर्ड के अंदर देखना @ ऐसा करके लिखा रहेगा हुआ रहेगा, उसको सबसे पहले डिलीट कर देना। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और चीज देखो, आप यहाँ पर जो है ना ये वाला सीनेम देखो पहले से ही ऐड किया हुआ है, लेकिन इसका लिंक अलग है। ठीक है, लिंक वाला सब अलग है, तो मुझे जो है इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये नोटिस नहीं किया था, ये पहले से यहाँ पर देखो ऐड किया हुआ है। आपके केस में भी ये पहले से ही ऐसे ऐड किया हुआ रहेगा। मैं मतलब एक और जो है डोमेन नेम पर नेम चिप के अंदर मैं बता नहीं सकता अभी, मैं बहुत दिन पहले उसका DNS चेंज किया था, तो पहले कैसा रहता है मैं अभी उसको याद नहीं कर सकता, लेकिन GoDaddy के अंदर मैं 100% श्योर हूँ आपके केस में भी ऐसा होगा। तो पहला जो सीनेम आप www देके ऐड करने वाले हो, उसका बस आपको यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है, ये वाले को हटा देना है, एंड यहाँ पर जो है आपने जो ghs.google.com को कॉपी किया था उसको करके सेव कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो पहला DNS चेंज, मतलब दोनों सीनेम आपको ऐड करना था, तो पहला आपने ऐड कर दिया है, एंड दूसरे के लिए आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, चूज यहाँ पर सीनेम कर दीजिए।
अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये वाला है हम लोग का दूसरा सिनेम जो कि हम लोग को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर देखो नेम में ये हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ये कुछ अल्फा न्यूमेरिक नंबर है तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एंड जो दूसरा जो डीएनएस का जो मतलब डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पे हम लोग को इस वाले यूएल को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पर वन ऑडियो डाल देते हैं, ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये भी सक्सेसफुली हम लोग का सेव हो गया। तो दोनों रिकॉर्ड जो है हम लोग का सेव हो गया। तो गाइस यहाँ तक तो हम लोगों ने काम कर लिया, अभी तक हम लोगों ने दोनों सिनेम को जो सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। अब उसके बाद जो है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर बता रहा है कि भाई सी एक लिंक है, उसके बाद बोल रहा है इसको लिंक पे जाओ फॉर और भी डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग इस लिंक को हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। एंड ये जो है बहुत ही मतलब क्रूशियल स्टेप है, एंड मैक्सिमम लोग इस स्टेप को मिस कर देते, क्योंकि भाई मोर डिटेल्स कौन पढ़ता है, अभी मैनुअली लोग नहीं पढ़ते, भाई मोर डिटेल्स क्या पढ़ेंगे, दोनों सिनेम को ऐड करने बोला है तो भाई दोनों सिनेम ऐड करके छोड़ देते। लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली 100% करना है, अगर ये आप नहीं करोगे तो भाई हो सकता है बाद में जाके आपको हो सकता है 100% आपको गूगल एडसेंस में रिजेक्शन ही मिलेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कस्टम डोमेन पे, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज था, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप थ्री पे यहाँ पर लिखा हुआ रिडायरेक्ट फ्रॉम यूआरएल विदाउट सब डोमेन टू योर ब्लॉग, ठीक है। तो इसको आपको डालना ही डालना है। यहाँ पर बोल रहा है कि देखो भाई ये चारों जो है ए रिकॉर्ड्स है, आपको ये ए रिकॉर्ड्स डालना पड़ेगा। आपको पता है कि मैंने जो है जब यहाँ पर आया था तो मैंने एक पार्क वाला ए रिकॉर्ड था उसको मैंने डिलीट करने को बोल दिया कि उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पर ये चारों ए रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। तो चलो इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कॉपी करते हैं, एक के बाद एक जो है हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, फटाफट से। यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे ए पे आएंगे, यहाँ पर जो है एट द रेट डाल देंगे, यहाँ पर जो है वो वैल्यू जो है डाल देंगे, यहाँ पर हम लोग वन कर देंगे, एड रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये जो आप देख सकते हो अभी जो है हम लोग का डीएनएस अपडेट हो रहा है, तो ये जो अपडेट भी हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा था कि वहां पर जो है और भी तीन था, ठीक है। तो बेसिकली मुझे जो है उसका पता है कि वो कैसा था। बेसिकली ये जो 32 है, एक था 34, एक था 36 एंड एक था 38। चलो एक बार सिक्योरिटी के लिए देख लेते हैं, हाँ वही सेम ही था। बेसिकली ब्लॉगर का सारा मतलब आपके लिए भी सेम ही होगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है सभी के लिए सेम होता है। फिर से ऐड करते हैं, ए पे आते हैं एंड यहाँ पर एट द रेट, यहाँ पर जो है 34 को हम लोग को चेंज करके 36 करना पड़ेगा। इसको वन और कर देते हैं, ऐड रिकॉर्ड कर। बेसिकली टीटीएल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग का टीटीएल में एक थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई क्या करता है बेसिकली, तो उस वीडियो को देखना, आपका सारा कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। एंड बेसिकली अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो से आपका मदद तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है चारों ए रिकॉर्ड जो यहाँ पर ऐड कर दिया, एंड सिनेम भी मेरा सक्सेसफुली ऐड हो गया है जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर इसको फिर से सेव करने की कोशिश करूंगा एंड देखते हैं कि ये सेव होता है कि नहीं। तो भाई ये बोल रहा है कि भाई आपका ब्लॉग जो है हम लोग अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर देखते हैं। एंड ये डीएनएस को भी मतलब अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो ऐसे आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार इसको भी हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि भाई सारा चीज़ें जो है सही से ढंग से सेव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर तो सब कुछ मुझे लग रहा है कि सही से ही सेव हुआ है। तो फिर से आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं sneachsdutta.com। ओके, सो मैंने यहाँ पर www लगाना भूल गया था। तो भाई मुझे लगता है कि अभी भी जो है हम लोग का जो डीएनएस जो है डीएनएस रिकॉर्ड अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये अपडेट होने में 5 से 10 मिनट का वक्त लेता है, ठीक है। तो पहले ही अपडेट हो जाता है उसके मतलब थोड़ा वक्त हम लोग इंतजार कर लेते हैं, अभी बज रहा है 10:22, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो अब 5 से 10 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। सो गाइस कल जो है मैंने इस काम को करने के बाद इसे छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिला। तो आज सुबह उठ के मैं फिर से चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। तो मैं फिर से वही सेम काम करूंगा, कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर जो है मैं अपना डोमेन नाम को डालूंगा www.sneachsdutta.com, ठीक है।
अब हमको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है एंड देखेंगे कि ये अपडेट हो रहा है कि नहीं या फिर कोई एरर वगैरह दे रहा है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर अपडेट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो बेसिकली तो मेरे लिए ये करीब करीब 12 घंटे के आसपास मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कल शायद 10:20 पे ही मैं चेक कर रहा था, अभी जो है 10:20 AM बज रहा है, तो 12 घंटे बाद मैं चेक कर रहा हूँ। तो अगर आपका भी ऐसा कोई एरर हो रहा है कि मतलब काम नहीं कर, तो आप थोड़ी देर वेट कर जाइए। लेकिन मैंने देखा कि गॉडडेडी का जो नेम सर्वर है बहुत जल्दी अपडेट होता है, ठीक है, बाकी दूसरे जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उससे। तो ये मेरे लिए कई बार आधे घंटे से पहले भी हो जाता था, ठीक है, क्योंकि कल मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए मैं 12 घंटे बाद चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक रिडायरेक्ट डोमेन, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई मान लो सिर्फ snehasdotto.com से अपना वेबसाइट को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो भाई उसे तो www.snehasdotto.com पर रिडायरेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको एकदम 100% आपको ऑन करना है। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखना, आपको इसको ऑन करना ही है, नहीं तो आप बाद में जाकर प्रॉब्लम में फेस करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो HTTPS अवेलेबिलिटी अभी जो स्टेटस है नो है, आपको इस वाले ऑप्शन को भी ऑन करना पड़ेगा। अब जब इसको ऑन करोगे उसके बाद जो है ये रिडायरेक्ट वाला ऑप्शन जो है ये भी उसके बाद ऑन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है मेरे ख्याल से। मैं आपको बता दूं इन दोनों में क्या काम होता है। पहले है HTTPS अवेलेबिलिटी, तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके डोमेन में जो है क्या बोलते हैं उसको SSL का जो सिक्योरिटी है वो ऑन हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है HTTPS रिडायरेक्ट, इससे क्या होता है, मान लो कोई बंदा है वो HTTPP से आपका वेबसाइट को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे भी HTTPS पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। एंड यही एक्चुअल तरीका होता है किसी एक वेबसाइट को खोलने का। ठीक है, अगर कोई बंदा विदाउट HTTPS मतलब सिर्फ HTTP पे खोल रहा है तो भी उसे HTTPS पे रिडायरेक्ट करना चाहिए ही चाहिए। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो भाई आप जब गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए सेंड करोगे तब आपको प्रॉब्लम होगा। एंड सिर्फ गूगल एडसेंस के नहीं, आपका इंडेक्सिंग में भी प्रॉब्लम होगा, आपका वेबसाइट जो ढंग से इंडेक्स भी नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम भी होगा। ये तीनों अगर आपने कर लिए होंगे तो मैं 100% आप श्योर हूँ कि आपका वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कल यहाँ पर अपना वेबसाइट को खोला था, मैं इस वाले पेज को अभी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं बस इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा एंड ये जो है blogspot.com का जो डोमेन है ये भी मैं मान रहा हूं अब रिडायरेक्ट होकर snehasdotto.com हो जाएगा। तो चलो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं एंड देखो ये भी अभी रिडायरेक्ट होके यहाँ पर तो आ गया, लेकिन अब भी बोल रहा है कि ये योर साइट इज नॉट रिच्ड ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो इसके लिए भी आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए लेता है, ठीक है, वक्त, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने अपना साइट को चेंज किया है तो ये भी थोड़ी देर वक्त लेगा। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो हम लोग का जो डोमेन है वो सक्सेसफुली रिडायरेक्ट तो हो रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने जो काम किया था वो सक्सेसफुली एकदम सही काम किया था। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जो है snehasdotto.com को भी एक बार कॉपी करते हैं, बगल पे जाके पेस्ट करते हैं, पेस्टिंग को करते हैं, देखते हैं ये रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। नहीं, अभी भी देखो ये काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है अभी भी थोड़ा वक्त और लगेगा। यहाँ पर देखो ये नॉट सिक्योर दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो है गूगल की पेज ओपन कर रहा है, आप देख सकते हो। तो फिर से हम लोग को थोड़ा वक्त और देना है, मैं फिर से एक घंटे के बाद फिर से जो है चेक करूंगा एंड उसके बाद वो रिकॉर्डिंग आपको डालूंगा। ठीक है, अभी आप देख लो 10:24 AM बज रहा है, तो मैं एक घंटे बाद आके इसको चेक करूंगा। ठीक है, तो चलो सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 23 मिनट्स हो चुका है, मैंने 10:20 को छोड़ के गया था, अभी 10:43 बज रहा है। तो ये वाला एरर तब आ रहा था एंड इसमें भी ऐसा एक एरर आ रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको बस कॉपी कर लेता हूँ एंड एक नया टैब पे ओपन करने की कोशिश करता हूँ एंड देखते हैं कि अभी ये जो है ओपन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपने देखे होंगे कि देखो रिडायरेक्ट हो रहा है एंड देखो हम लोग को वेबसाइट जो है ओपन हो गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैंने जो है यहाँ पर बस snehasdotto.com ही लिखा था, पूरा वेबसाइट का नाम नहीं लिखा था। ठीक है, अब मैं इसको एंटर दबा रहा हूँ एंड मेरे यहाँ पर एक एंटीवायरस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास बिट डिफेंडर का एंटीवायरस लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी वेबसाइट में ये SSL के एरर आएगा तो भाई ये एंटीवायरस ऑटोमेटिकली इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ओपन नहीं करता है एंड फिर भी आप यहाँ पर तो देख भी सकते हो एंड वो रिडायरेक्ट वाला अगर कोई वेबसाइट रिडायरेक्ट करता है किसी एक नॉन सिक्योर साइट से सिक्योर साइट में तो भी जो है ये एंटीवायरस उस पेज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेरे पास इसका जो ट्रैकर से ये भी ऑन है। ठीक है, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ऑन है यहाँ पर। अब मैं इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देख लेता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी यहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा URL जो है रिडायरेक्ट हो गया एंड वेबसाइट भी हम लोग को ओपन हो गया।
इसको भी एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो बिजनेस होता है ना वो थोड़ा पैनिक कर जाता है कि भाई मैंने तो सब कुछ सही से कर लिया लेकिन मेरा वेबसाइट जो है ढंग से रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। तो भाई देखो मैंने कितना पेशेंस रख के उसके बाद अपना वेबसाइट पे खोला, ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये कभी कभार एक दो दिन भी लगता है, ठीक है ऐसा भी होता है। लेकिन मैंने देखा है कि गोडेडी के केस में ऐसा नहीं होता है। गोडेडी के केस में नेम सर्वर जो है बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। ये मैंने मतलब मेरे साथ मेरे पास जितना सारा वेबसाइट है मैंने सब में देखा है, कई कई बार 10 मिनट के अंदर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये गोडेडी के केस में होता है, लेकिन बाकी के केस में मैं नहीं कह सकता उतना। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट ही रखना है, 10 मिनट के बाद आपको बोल देना कि भाई मेरा तो अपडेट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तो ऐसा नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ और करके आपको चेक करके बताता हूँ। अगर मान लो कि मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर एंड मैं इसको जो है HTTP ऐसे में इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई एरर हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ तो बाद में मुझे काम में आएगा। अब एंटर दबाते हैं, देखते हैं कि ये रिडायरेक्ट, देखो ये रिडायरेक्ट भी हो गया, सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। अब मैं एक और पैटर्न का मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जो है यहाँ पर डाल, अरे सॉरी पेस्ट एंड गो हो गया, पेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब मैं बस http://snehsdutta.com लिखूंगा, अब देखूंगा कि मेरा वेबसाइट ओपन हो रहा है कि नहीं। तो ये देख गाइस आप देख सकते हो मेरा वेबसाइट यहाँ पर भी ओपन हो रहा है एंड कोई भी एरर यहाँ पर मुझे शो नहीं कर रहा, ठीक है, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है सारा का सारा चीज है। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे ये काम करना होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉक पे भी आता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर व्यू ब्लॉक पे आता हूँ तो आप देख सकते हो कि एकदम SSL भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है, सब कुछ सही से आ रहा है। तो इसका मतलब है हम लोग का जो सेटिंग्स था वो हम लोग ने बहुत बेहतर तरीके से कर लिया है। यहाँ पर आप पब्लिशिंग सेक्शन के अंदर देख सकते हो HTTP दोनों ही ऑन है, ये वाला भी ऑन है एंड विजिबल तो सर्च इंजन तो ऑन रहना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारा जो सेटिंग्स है मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या करना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज हो गया एंड कभी कभार क्या होता है कि आपका जो DNS में है, DNS में जो सेटिंग्स वगैरह है कभी कभार क्या होता है ये नहीं लेता है। तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपका जो सीनेम है वो सही तरीके से आपने डाले हो कि नहीं। कभी कभार क्या होता है कि सीनेम जो है लोग गलत तरीके से डालते हैं, इससे वो कुछ प्रॉब्लम होता है एंड वो सोचता है कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है। तो सीनेम एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना आपका सीनेम सही है कि नहीं। सो गाइस मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देख लेने के बाद आपको डोमेन रिलेटेड जितने सारे डाउट था, अगर आपका डोमेन जो है अनरीचेबल दिखा रहा था, गूगल बता रहा था कि आपका डोमेन को हम लोग रीच नहीं कर पा रहे, ए जितने सारे अगर आप प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर अगर आपने पहली बार डोमेन खरीदे हो एंड आप सोच रहे थे कि कैसे अपने डोमेन को अपने ब्रोकर को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें, तो मुझे लगता है इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के बाद आपका ये सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। एंड सिर्फ ये नहीं, अगर आप मैं जैसे जैसे बताया, मैंने जितने सारे प्रोसेस आपको बताया ये सभी अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको ऐसे लिंकिंग एंड सेटिंग्स के रिलेटेड और कोई आपको मतलब प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। मैंने जितने सारे सेटिंग्स ऑप्टिमाइजेशन में आपको सारा बता दिया है। तो बस इस वीडियो में यही तक था, जितने सारे जो मेन चीज था मैंने आपको बता दिया है एंड आप वो सभी जान चुके होंगे। एंड मैं आशा रखता हूँ कि आप अपना ब्लॉगिंग जर्नी अच्छा ही करोगे, जो डोमेन आप कनेक्ट करोगे उस डोमेन में आप सक्सेसफुल होंगे एंड उस डोमेन पे आप अच्छा खासा ब्लॉग लिख कर अर्निंग भी कर पाओगे। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना एंड हमारे चैनल का जरूर सब्सक्राइब करना। गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते बहुत दुख होता है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई तो हम लोग इस जानने को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इससे आपका भी फायदा होगा क्योंकि आप ऐसे ऐसे बेहतरीन वीडियोस फ्री में घर बैठे देख पाओगे एंड हमारा भी थोड़ा मदद हो जाएगा। एंड तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्यम विजय।